हेलो, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई? आपके स्क्वायर से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आपको बता रहा हूँ, और मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, तो कैसे करोगे देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप 25 का स्क्वायर करना चाहोगे, तो इसमें आपको क्या करना होगा, जैसा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है भाई, 0, 4। इसके अलावा 5 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 5 को आपस में मल्टीपल करेंगे, 5 दूनी 10, और फिर उस 10 को ये वाला 2 है ना, उससे मल्टीपल करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। इसको मैं एक संख्या छोड़ के, पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखूंगा मेरे भाई। अब मैं यहाँ पे इन सबको ऐड कर लूंगा, यानी कि 5 का 5 आ गया, 2 आ गया। इसके अलावा यहाँ पे 4 और 2 कितना हो गया, 625। ठीक है, इसी प्रकार में यहाँ पे दूसरी संख्या लेने का प्रयास करूंगा, जैसा कि आप बोलोगे कि हमें तो 76 का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, 76 का स्क्वायर चाहिए, तो आप कैसे करोगे भाई, देखिएगा इसी प्रकार से करेंगे, 7 7 49, और फिर यहाँ पे 6 5 36। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, 7 6 42 हो गया। अब इस 42 को किससे मल्टीपल करूंगा, 2 से मल्टीपल करूंगा, यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 84 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 84 में ऐड करके यहाँ पे लिखूंगा, तो कितना आएगा भाई, 6 4 और 3 कितना हो गया, 7 और 8 8 16 1 17, और 4 1 5, यानी कि कितना आ गया भाई, 5776 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में और भी बहुत सारी संख्याएं आपके सामने रिप्रेजेंट कर देना चाहूंगा, जैसा कि आप और क्या ले सकते हो। तो आप बोलोगे कि भाई हमें 52 का स्क्वायर चाहिए, तो 52 का भी आप स्क्वायर ऐसे कर सकते हो, किसी भी संख्या का कर सकते हो। तो जैसा कि आपने 5 का स्क्वायर किया, 5 5 25, 2 का स्क्वायर, देखो इसको 2 संख्याओं में लिखना है, 0 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, मल्टीपल, 5 दूनी 10। अब इस 10 को हम किससे मल्टीपल करेंगे, इस 2 से मल्टीपल करेंगे, तो कितना आएगा भाई, 20 आएगा। अब इस 20 को मैं एक संख्या छोड़ के लिखूंगा पीछे से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, 4। ठीक है, और 0 5 6 7, और ये 27 04 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से मैं और भी आपको बता देता हूं। अब आप बोलोगे कि भाई हमें स्क्वायर तो पता है, ठीक है, हमें क्यूब भी बताइए कि क्यूब को कैसे करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम क्यूब पे, किसी भी संख्या का क्यूब करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यहाँ पे क्यूब। तो माना कि आप किसी भी पर्टिकुलर संख्या का क्यूब कर रहे हो, जैसा कि आप बोले कि हमें किसका क्यूब करना है भाई, 24 का क्यूब करना है। ठीक है, तो 24 का क्यूब करने करने के लिए आपको क्या करना होगा मेरे भाई, तो आपको देखिएगा, सबसे पहले तो ये जो 2 वाली पहली संख्या है ना, इसका क्यूब कर दो। तो आप बोलोगे इसका क्यूब कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, और लास्ट ही लास्ट में हम क्या करेंगे, ये दूसरी संख्या है उसका क्यूब कर देंगे, कितना होगा भाई, 64 हो जाएगा। अब जो बीच में संख्या आएगी उनकी मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहले तो हम इस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 करके फिर इस 4 से उसको मल्टीपल कर लेंगे, यानी कि 2 दूनी 4 और फिर 4 चौक 16, ये लिख लिया। इसके अलावा फिर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, इस 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 को मैं 2 से मल्टीपल करूंगा, तो कितना आएगा भाई, 32 आ गया। अब यहाँ पे अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है मेरे भाई, तो देखेगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 16 का डबल करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 32 हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पे इस 32 का डबल करूंगा, तो कितना हो जाएगा, 64। अब यहाँ पे मैं इन संख्याओं को अब कैरी फॉरवर्ड करके करके लिख लूंगा, तो कैसे लिखूंगा भाई, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे ये 4 उतारूंगा, अब ये 6 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, और इन सबको जोड़ो भाई, 6 और 2 8, 8 4 12। ठीक है, अब आगे एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, अब देखो भाई 6 3 9 और 1 10, अब ये 10 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो यहाँ पे इन सबको मैं जोड़ूंगा, तो कितना आएगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 थी 48। ठीक है, 48 और 10 कितना हो गया, 58 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा भाई, देखो इसका तो मैंने कैरी कैरी फॉरवर्ड ले लिया, 2 आ गया, ओके, 4 से 5 है 7,
ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ था भाई, वापस से मैं जोड़ लेता हूँ, 48 58 आ गया था, 58 का मैं 8 ले लूंगा और 5 यहाँ पे चला जाएगा, और 8 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 13। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 13,824 आ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई हमें और संख्या बताइएगा, तो मैं और संख्या आपको बता देता हूँ, जैसा कि आप करना चाहोगे किसका, आप बोलोगे कि हमको 21 का स्क्वायर करना, 21 का क्यूब करना है, तो कैसे करोगे मेरे भाई, देखेगा पहले तो पहली वाली संख्या का स्क्वायर करोगे, सॉरी क्यूब करोगे, तो पहली वाली संख्या का क्यूब कितना हो जाएगा 8, फिर लास्ट वाली संख्या का क्यूब कितना हो जाएगा 1। अब देखो भाई इस संख्या का यदि मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 2 दूनी 4, 4 एकम 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस संख्या का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 2। अब यहां पे हम और क्या करेंगे, इस 4 का डबल कर दो 4 दूनी 8, इस 2 का डबल कर दो 2 दूनी 4, तो यहां पे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं। देखो भाई 1 का 1 आ गया यहां पे, इसी प्रकार से यहां पे 4 से 5 6 आ गया, इसी प्रकार 8 4 कितना होता है 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 8 रे कितना हो गया 9, 9261 आ गया। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का क्यूब रूट कर सकते हो, जैसा कि आप बोलोगे कि मेरे को जो क्यूब रूट करना है वो किसका करना है भाई, तो आप बोलोगे हम करेंगे 84 का, 84 का क्यूब रूट करके हमें बताइए। तो आप क्या करोगे, 8 का यदि क्यूब करोगे तो कितना होगा मेरे भाई 512, 4 का कितना होगा 64। अब बीच बीच वाली संख्या को ले लेते हैं सबसे पहले, तो इसका स्क्वायर करो 8 का, 8 * 64, अब 64 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है, 4 * 4 16, 6 * 4 24 और 1 * 25 256 आता है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 256। इसी प्रकार से यहाँ पे 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 * 4 16, ठीक है, और 16 को 8 से मल्टीप्ल करूंगा तो कितना आएगा भाई 128 आ जाएगा, 128 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे साथियों, आपको बता देना चाहूंगा, यहाँ पे इस 256 का डबल करूंगा कितना आएगा 512, 128 का डबल करूंगा कितना आएगा 256। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपली मेरे को संख्या ही लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 मैंने उतारा, 6 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो 8 6 14, 14 और 6 20, फिर यहाँ पे 20 आ गया ना, तो यहाँ पे 2 20 में जुड़ जाएगा, यानी कि 2 और 12 24, सॉरी 14 14 और 25 कितना होता है भाई 14 और 25, तो आप बोलोगे 39, तो 39 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 39 को मैंने कैरी फॉरवर्ड किया तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे 9 और 6 15, ठीक है, 15 और 2 कितना होता है भाई, 15 और 2 होता है 17। अब आगे कैरी फॉरवर्ड क्या क्या हो जाएगा, 17 हो गया, यहाँ पे 17 से 17 का 1 इधर हासिल का हो गया, 3 और 1 4, 29, 29 और 51 कितना होता है भाई 29 और 51, तो आप बोलोगे कि ये होता है मेरे भाई कितना, तो आप बोलोगे 80, तो ये 80 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब इन सबको जोड़ के लिख लूंगा मैं यहाँ पे 2 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 5,92,704 मेरा यहाँ पे किसका क्यूब आ जाएगा 84 का। अब देखिएगा यदि आप इसको चेक करना चाहो तो आप किसी भी कैलकुलेटर में चेक करके देख लीजिएगा, आपका जो आंसर आएगा वही यही आएगा कि 59,27,04, ये किसका क्यूब हो जाएगा 84 का क्यूब हो जाएगा। बड़ी शानदार ट्रिक है मेरे भाई। अब इसी प्रकार मैं और भी आगे बता देता हूं आपको, देखेगा आप कोई भी ले लीजिएगा, आप पर्टिकुलर मेरे को नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। आपने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे कि आप बोलोगे कि मेरे को तो, जैसे आपको 12 का तो आता ही होगा, 12 का बता देता हूँ एक बार और इससे, जैसा कि आप 12 का क्यूब करोगे तो 12 का क्यूब कैसे होगा, 1 का क्यूब करो 1, ठीक है, इस 2 का करो 8, अब इस 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्ल कर दो, यानी कि 2, इस 2 का स्क्वायर करके 1 से मल्टीप्ल कर दो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, अब 2 का डबल कर दो भाई, 2 का डबल करोगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, और इसका 4 दूनी 8, बीच वाली संख्या का डबल करते हैं। अब यहाँ पे संख्याओं को लिख लो भाई, 8 8 4 12, 12 का 2 आ गया, 1 आगे चला गया, अब यहाँ पे 4 से 5 6, और 1 कितना आ गया 7 आ गया, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर कितना आ गया भाई 1728, आपका करेक्ट आंसर हो
हो जाएगा, मतलब कि आपको ये विधि समझ में आई होगी। चलिए अब ये तो हमारी दो संख्याओं की थी, यदि हमारे पास तीन संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यदि तीन संख्या आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, जब भी हमारे पास तीन संख्या का आ जाए, जैसा कि आपने ले लिया कि 132 का क्यूब क्या होगा, 132 का क्यूब क्या होगा, तो ये तो काफी आसान है मेरे भाई, कैसे करेंगे चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो देखिएगा, इसमें हम दो संख्या, एक तो 13 मान लूंगा, एक 2 मान लूंगा। तो आपको पता है 13 का क्यूब कितना होता है, तो आप बोलोगे कि देखो 13 का क्यूब मैं करके ही देखूंगा, मैं नहीं पता, तो अच्छा करके देख लो भाई, एक लास्ट में कितना लिखोगे, 27, ठीक है। अब यहाँ पे एक का स्क्वायर करोगे, तीन से मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, तीन, तीन तीन नौ, नौ एकम नौ। अब यहाँ पे डबल कर लो, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 21 97 आ जाएगा कुल मिला के। तो ये देखो यहाँ पे ये मैंने 7 उतारा, अब फिर 8 8 16 1 17, 17 से 18 19, ठीक है। अब यहाँ पे 19 आ गया, 19 का एक कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें ये एक और एक दो, तो दो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 और 6 कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे 11 होता है, और यहाँ पे 11 का एक हासिल की इधर जुड़ जाएगा, यानी कि ये कितना, 21 97, तो यहाँ पे आप 13 का कितना लिखोगे, 2197 लिखोगे। इसी प्रकार से देखो, ये तो आपने लिख लिया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब देखो भाई, इसको मैंने इरेज कर दिया, अब आगे मैं संख्या को देखता हूं, तो मेरे पास क्या है भाई, तो आपके सामने 2197, 13 का कर लिया हमने, अब किसका करूंगा, अब 13 का स्क्वायर 169, और 169 को मैं किससे मल्टीपल करूंगा, 2 से, तो कितना आएगा भाई, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 13, 2 एकम 2 और 1 3, 338 हो गए यहाँ पे, यहाँ पे 338 आ गया। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 और 13 चौके 52 हो गया, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, इसका स्क्वायर प्लस इससे मल्टीपल दूसरी बड़ी संख्या से, और फिर यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। अब तो आपके सामने ये क्वेश्चन काफी आसान हो गया। अब देखो भाई, 338 का यदि आप डबल करोगे तो कितना आएगा, 676 आएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूं तो 52 का जो डबल होगा वो कितना होगा, 104 होगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, संख्याओं को लिखना है, 8 हो गया, 4 से 5 6 हो गया, और अब देखो भाई यहाँ पे 6 आ गया, अब कैरी फॉरवर्ड कितना जाएगा, तो आप बोलोगे कि कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब यहाँ पे 15 हमने कैरी फॉरवर्ड ले लिया, तो यहाँ पे मैं इन सबको जोड़ूंगा, तो जोड़ने पे कितना आएगा, इसका इकाई अंक ले लो और आगे भेज दो, तो आप बोलोगे 8 और 5 13, 13 और 6 कितना होगा, 19, ठीक है। अब 19 का एक और आ गया यहाँ पे, यानी कि 1 1 2, ठीक है, 2 और 3 कितना हो गया, 5, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 का मतलब यहाँ पे हासिल आ जाएगी, फिर 6 और 3 9, 9 और 1 10, यानी कि 102 यहाँ पे आगे आ जाएगा, 102, तो 102 को ऐड करो जरा कितना आ रहा है, 7 से 8 9, ठीक है। इसके अलावा 9 का 9 आ गया, और फिर यहाँ पे ये 2 हो गया, और फिर यहाँ पे 2 हो गया, कुल मिला के आपका आंसर कितना जाएगा, 22,999,68, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप किसी भी कैलकुलेटर से चेक करके देख सकते हो, यही आपका आंसर आएगा। अब आप बोलोगे ये तो एक संख्या बता दी, एक संख्या और बताइएगा हमें, तो भाई एक संख्या और बता देता हूं, तो देखो भाई आपने ले लिया 112 का क्यूब, तो वो कैसे करेंगे, देखो पहले तो 11 का कितना होता है, 1331 हो गया आसान, 11 के स्क्वायर 121, 121 से 2 से मल्टीपल करूंगा तो कितना आएगा, 121 को भाई, 121 को यदि 2 से मल्टीपल करोगे तो आएगा 2 4 2, अब यहाँ पे इस 2 का स्क्वायर कर लो, 2 दूनी 4 और 11 चौके 44, फिर 2 का क्यूब कर दो, 8। अब यहाँ पे इन बीच वाली संख्या का डबल करते हैं, यानी कि 4 8 4, और इसका कितना हो जाएगा, 8 8, डबल कर दिया ना मैंने। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सबको ऐड करके लिख लो भाई, 8 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यहाँ पे एक हासिल की, 8 4 12 और 1 13, अब ये 13 कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे, अब इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा तो कितना आएगा भाई, 4 5 6, 6 से 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ लो भाई, 24 और 1 25, 25 और 48 कितना होता है, तो आप बोलोगे कि 25 और 48, 4 6 5 6 और 1 7, 73 मैं आगे जोड़ लूंगा, तो यहाँ पे इसको आप लिखोगे तो कितना लिखोगे भाई, 3 और 1 4, 7 और 3 10, 3 और 1 4,
चार, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा कितना भाई? तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा 140, 49, 28 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप किसी भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर यही आ रहा है क्या। तो 112 को आप कितनी बार मल्टीपल करके देखोगे भाई? 3 बार मल्टीपल करके देखोगे तो आपका आंसर ये आएगा 140, 49, 28। तो आप किसी भी संख्या का क्यूब इस विधि से कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये विधि काफी अच्छी लगी होगी और काफी प्यारी भी लगी होगी। तो उम्मीद करता हूं कि जिन्होंने अभी हमारी वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया है तो वो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप लाइक भी जरूर करोगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। और जिन्होंने अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।